हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ब्लड पर। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस क्वेश्चन को। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें। बच्चों, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ से आप एसएससी ब्लड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। ये जो बैच है बच्चों, ये आपके प्री के लिए भी और उसके साथ साथ आपके मेंस के लिए भी है। और अगर हम बात करें इस बैच की वैलिडिटी की, तो इस बैच की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर है। इसके अलावा आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाकर आप मॉक टेस्ट के सीरीज भी लगा सकते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। एज इट हैज बीन रेनिंग हैविली सिंस 2 आवर्स, द चिल्ड्रन आर एट होम। बात हो रही है कि जैसे कि बारिश बहुत तेज हो रही है, 2 घंटे से लगातार बारिश बहुत तेज हो रही है, और जिसके कारण बच्चे क्या हैं, घर पर ही हैं। आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। एट होम इनकरेक्ट है, सिंस 2 आवर्स इनकरेक्ट है, एज इट हैज बीन रेनिंग हैविली इनकरेक्ट है, या द चिल्ड्रन आर इनकरेक्ट है। किस पार्ट में आपको मिस्टेक दे रखी है, आपको फाइंड आउट करना है एरर कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। ठीक है, कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि बारिश हो रही है एक समय के साथ, मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है। हमें यह क्लियर है कि हम यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्शन जब भी हमें समय के साथ दिया होता है तो वहां पर हम एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन को यूज करते हैं, यानी कि टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पर आर को देखकर ये क्लियर है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही यूज करेंगे, जो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जब समय की बात की जाती है तो वहां पर एक आता है सिंस और एक आता है फॉर। आपको ध्यान रखना है कि आप सिंस का यूज वहां करेंगे जब आप बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी कि जब आपको किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाए। और फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन के लिए। तो यहां पर जो ये 2 घंटे है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन दे रखा है। तो यहां पर सेंस का यूज नहीं, फॉर का यूज होगा। और उसी के बेसिस पे जितने स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, फॉर इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। लिंगर का आपको चेक करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा। ठीक है, आपको चेक करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा। लिंगर का मतलब होता है जो चीज आपके लॉन्ग टाइम तक के लिए है, दीर्घ काल भी कह सकते हो, एक लंबे समय तक के लिए जो चीज रुक सकती है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। आपको इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम चेक करना जरा क्या होगा। लीव होगा, चूज होगा, एंटरटेन होगा, या फिर एनॉय होगा। ठीक है, जो चीज कैसी है, दीर्घ काल वाली, दीर्घ काल कह सकते हो, बहुत लंबे समय के लिए तक रहना किसी भी चीज का। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा। अगर हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरलास्टिंग भी कह सकते हैं, एंड्यूरिंग, अगर हम लॉन्ग समय की बात कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो चीज अभी छूट रही है, जा रही है, यानी कि लीव। क्या हो जाएगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, लीव। जितने स्टूडेंट इसका आंसर लीव बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्शली और कंप्लीटली लॉसेस देयर मेमोरी। हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति चाहे थोड़ी या पूरी तरह से अपनी मेमोरी को खो देता है। ठीक है, उसको एक शब्द में क्या कहोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करोगे। जहां पर किसी व्यक्ति की मेमोरी चली जाती है, चाहे वो पूरी तरह से चली जाए या फिर पार्शली रूप से चली जाए, तो उसको एक शब्द में आप क्या बोलोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए आप क्या यूज करोगे। ठीक है, तो देखो जरा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। जहां पर आप अपनी याददाश्त को खो देते हो, जिसको आप कहते हो भूलने की बीमारी,
भूल जाते हैं, जैसे एज होती जाती है व्यक्ति की, डेफिनेटली धीरे 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 मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं, एमनीशिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जब व्यक्ति भूलने लगता है चीजों को, जिसको हम बोलते हैं भूलने की बीमारी, जिसको हम बोलते हैं भूलने की बीमारी, उस केस में हम लोग यूज करते हैं। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक? आपने देखा होगा कभी कभी एलोपेशिया की बात करें तो बाल्ड, गंजापन आ जाता है, बाल उड़ने लग जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बाल एज के हिसाब से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं गंजापन, बाल्डनेस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, गंजापन, जहां पर कहीं ना कहीं धीरे 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 आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सभी का फर्स्ट एमनीशिया सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही अच्छे बच्चे। कभी कभी हम लोग फिजिकली बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते, हमें कहीं जाते हैं तो हमें बड़ा सफोकेशन सा फील होता है। सफोकेशन मतलब हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, जिसको हम बोलते हैं दम घुटना, बोलते हैं ना बहुत बार कि दम घुट रहा है यार, बिल्कुल भी हमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी रिलैक्स्ड महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं चीजों में क्या हूँ, बहुत ज्यादा। और हम एनीमिया की बात करें तो रक्त से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है आपका, ठीक है। ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज, मतलब बात हो रही है कि वो इतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि शी है। आपको चेक करना है सो फ्रेंडली लाइक को आप किससे बदलेंगे, सो फ्रेंडली एज फ्रेंडली लाइक, सो फ्रेंडली दैट, या फिर आपको लगता है कि इसमें किसी भी सब्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत ही नहीं है, देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो जरा आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे, सो फ्रेंडली लाइक को। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा किससे रिप्लेस करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। सो प्लस फ्रेंडली और आफ्टर दैट क्या आ जाएगा, या तो सो और एस का होगा या फिर एज और एस का होगा, ठीक है, बट हम यहां पर सो को लाइक के साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सो फ्रेंडली एज बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो इनमें से कौन सा है, स्टेशनरी और स्टेशनरी, ठीक है। एक वो जहां आप खरीदने जाते हो स्टेशनरी पर सामान, है ना, आप बुक्स वगैरह को खरीदने जाते हो, जो भी आपकी रिलेटेड टू बुक्स होती हैं, आपकी लेखन सामग्री जिसे आप कह सकते हो, एक वो स्टेशनरी और एक वो जो बिल्कुल स्टेबल है, मतलब चल नहीं सकती, अचल जिसको कह सकते हो, और एक स्ट्रेटेजी जो आप बनाते रहते हो कि मुझे एनी हाउ 2024 में सिलेक्शन चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। तो देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है, बहुत ही अच्छे बच्चे, स्टेशनरी इनकरेक्ट है, बिल्कुल नहीं, स्टेशनरी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, स्टेशनरी जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल गलत है, स्टेशनरी इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज द करेक्ट वन, स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटर लिखते हो फिर जी से पहले ए नहीं ई का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेटेजी इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं, ये स्टेशनरी जिसमें ए आर वाई यूज हो रहा है इसका मतलब होता है अचल, और ये जो आपकी लेखन सामग्री होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ई आर वाई। और सेटरडे की बात करें, वैधानिक जो चीजें होती हैं वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, बात हो रही है कितने एग्स को आपने किस में रखा, बास्केट में। अब आपको चेक करना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, हाउ मेनी में मिस्टेक है, एग्स वर पुट में मिस्टेक है, इनटू द बास्केट, या फिर आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही दे रखा है, देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो एरर। उस केस में जो आपका आंसर ऑप्शन होगा वो नो एरर होगा। तो देखो जरा क्या आएगा इसमें, हाँ TEGY आएगा, बिल्कुल सही है सभी का, ठीक है।
अब सब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देखो जरा, एरर किस पार्ट में है, कौन से पार्ट में आपको मिस्टेक दे रखी है, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, एरर कौन से पार्ट में है। ये जो मैनी एडजेक्टिव होता है, हम इसका इस्तेमाल कहां करते हैं बच्चों, जब पीसीएन दे रखा होता है। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम मैनी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर एग में एस लगा हुआ है, तो यानी कि हमारा कैसा नाउन है, पीसीएन, और उसके बेसिस पे मैनी बिल्कुल करेक्ट है, और एक्स को देखकर हमने वर्ड देखा तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। हम बास्केट के अंदर रखने की बात करें, इनटू भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि सेंटेंस हमें क्या दे रखा, बिल्कुल एरर फ्री दे रखा है, और जितने भी स्टूडेंट उसके बेसिस पे इसका आंसर नो एरर बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर होगा इसका आंसर, चलेगा। हम ऐप की बात करें, दिस ऐप इज अ वेरी डैश वन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ये जो ऐप है किसी के लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत क्या है, कन्वीनियंस है। यहाँ पे हम कन्वीनियंट की बात करें, फिर हम कैपेबल की बात करें, या फिर हम कॉम्पिटेंसी की बात करें, क्षमता किसी भी चीज को कम्पीट कर सकता है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि वेरी के बाद आप क्या यूज करोगे, कन्वीनियंट, कन्वीनियंस, कैपेबल। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा किसका इस्तेमाल करेंगे। वेरी कन्वीनियंट, बहुत ही अच्छे बच्चे, क्या जाएगा, वेरी कन्वीनियंट। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर कन्वीनियंट बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। कैपेबल मतलब होता है आप किसी भी काम को कर पा रहे हो, मतलब आपके अंदर वो योग्यता है, आप उस काम को कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की, तो इसका मतलब सिंपल आपकी योग्यता, क्षमता से होता है, कैपेसिटी, ठीक है, कि आप उस काम को कर पाओगे, एबिलिटी है या नहीं आपके अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर कन्वीनियंट बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, वी माइट एज वेल वॉच अ फिल्म ऑन टीवी एज देयर्स नथिंग मच टू डू, ठीक है। आपको चेक करना है माइट एज वेल को आप किससे रिप्लेस करेंगे, मे एज सच, मे एज वेल एज, माइट वेल, या फिर आपको लगता है इसमें किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो उस केस में आपका आंसर ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, इंप्रूवमेंट फाइंड आउट करनी है आपको कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगी। जैसे बच्चों आइदर होता है, आइदर का हम यूज करते हैं और के साथ, उसी तरह से जैसे नाइदर होता है तो नाइदर का यूज करते हैं हम नॉर के साथ, ऐसे ही एज वेल का यूज होता है, एज वेल एज लेकर आता है, एज वेल एज लेकर आता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसी के बेसिस पे आप इसमें करेक्ट इंप्रूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे, जरा क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बस आप उसी को देखो। हम जानते हैं कि एज वेल के बाद हमें क्या लिखना है, जो ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो इसीलिए हम एज वेल एज नहीं लिख सकते क्योंकि वो डबल हो जाएगा, और एज के साथ वेल आता है, सच नहीं आता, ठीक है, और वेल के बाद अगर एज है तो वेल से पहले भी एज आएगा, तो उसी के बेसिस पे ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, वॉइस का क्वेश्चन आ गया आपका, ऑल द इनमेट्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग बाय द फायरमैन। जितने भी वहां रहने वाले लोग थे, निवासी थे वहां के, उनको रेस्क्यू किया गया था बिल्डिंग से, किनके द्वारा, फायरमैन के द्वारा। आपको चेक करना है कि इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म क्या होगा, वर्क के साथ रेस्क्यूड दे रखा है, वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इट मीन्स हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हम पास्ट के इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जब भी पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है एक्टिव में हम क्या यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा एक्टिव में क्या यूज होगा।
जब भी वॉइस और नरेशन को करो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करो। एलिमिनेशन सबसे बेस्ट होता है वॉइस और नरेशन को करने के लिए, तो लगाओ इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड। पास्ट इंडेफिनेट के जहां पैसिव में वॉज और वर के साथ, वॉज और वर के साथ वॉक की थर्ड फॉर्म आती है, वहीं उसके एक्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो देखो कितनी ऑप्शन में आपको यहां पर सेकेंड फॉर्म दे रखी है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, और बस उसी के बेसिस पर जितने स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। हैव बीन के साथ आई एन जी, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, आर के साथ आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो बस यहां पर सेकेंड फॉर्म को देखकर आप करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा देंगे फोर्थ। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ अवर फ्रेंड्स, बात हो रही है कि हम नहीं मिले हैं कुछ हमारे दोस्तों के साथ सिंस 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने से। आपको चेक करना है यहां पे कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। सिंस 6 मंथ्स इनकरेक्ट है, वी हैव नॉट मेट इनकरेक्ट है, या सम ऑफ अवर फ्रेंड्स इनकरेक्ट है, कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया है। बहुत ध्यान से देखेंगे इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है इसमें। सिंस और फॉर का यूज बच्चों केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं, इसका यूज हम परफेक्ट में भी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी करते हैं। ठीक है, बट केस दोनों का सेम है, दोनों को पॉइंट और पीरियड के बेसिस पे ही यूज करेंगे आप, पॉइंट और पीरियड के बेसिस पे। अगेन बात हो रही है किसकी, अगेन बात हो रही है 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स एक ड्यूरेशन है, एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन होगी तो वहां पर आप सिंस नहीं किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का, और उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं यहां पर सिंस की जगह फॉर, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। All the prize winning books have been displayed on the tables. जितनी भी prize winning books हैं, उनको display किया गया कहां पर, table पर। Again इसका correct active form बताना है, जरा क्या होगा, यानी कि इसका active voice बताना है। Have के साथ been plus verb की third form। बात हो रही है present perfect की, बात हो रही है कौन से tense की बच्चों, present perfect की। तो आपको check करना है जरा इसका correct active form क्या होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, जहां प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में हम यूज करते हैं हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही पैसिव में हम यूज करते हैं हैज हैव के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जरा देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, एक ही ऑप्शन में हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है और वो है आपका आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैव के साथ थर्ड फॉर्म को देखकर थर्ड ऑप्शन लगा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म को देखकर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड लगा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहां तक किसी को। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The examination or observation of one's own mental or emotional processes, उसको एक शब्द में क्या बोलोगे। आप किसी भी व्यक्ति के मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस का जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एक शब्द में क्या बोलोगे। असेसमेंट बोलोगे, इंट्रोस्पेक्शन बोलोगे, इंस्पेक्शन बोलोगे, या फिर वैल्यूएशन बोलोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप क्या लगाओगे। किसी भी व्यक्ति का अपना मानसिक और जो भी भावात्मक प्रोसेसेस होता है उसको ऑब्जर्व करना, उसको एक शब्द में क्या बोलते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके लिए आप क्या यूज करोगे। भाई यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर वंस ऑन लिखा हुआ है, वंस ऑन अपना खुद का, अपना खुद का बात कर रहे हैं,
यानी कि हम बात करें अपने खुद की, चाहे आपका मेंटल हो चाहे इमोशनल प्रोसेसेस हो, उन दोनों को ऑब्जर्व करना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, जिसको आप बोलते हो आत्मनिरीक्षण। क्या बोलते हो इसको? आत्मनिरीक्षण। ठीक है, खुद आप उस चीज को कर रहे हो, तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर इंट्रोस्पेक्शन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आत्मनिरीक्षण इज द करेक्ट वन। ठीक है, असेसमेंट होता है किसी भी चीज का आंकलन करना, किसी भी चीज का असेसमेंट करना, आंकलन जिसको बोलते हैं, इंस्पेक्शन, वैल्यूएशन, सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चलेगा। फोर सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं जम्बल्ड वे में। अब यहां पर तीन बी से स्टार्ट है। सबसे ये पहले ये चेक करो आप बच्चे कि पहला सेंटेंस आपका बी होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तीन ऑप्शन खत्म होकर एक ही आंसर ऑप्शन है, और अगर तीन बी से स्टार्ट है तो देन आपका तीन में से आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा। अगेन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो जरा क्या सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा। हम बात कर रहे हैं क्रिसमस और न्यू ईयर, जो दोनों एक साथ ही आते हैं। ठीक है, आ द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट, ये समय होता है साल का जश्न मनाने का। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस होगा। या फिर स्कूल्स आर क्लोज फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम। अब दिस टाइम कौन सा? तो हमें यहां से क्लियर है कि ए हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब आपको चेक करना है यहां पर कि बी के बाद आप क्या यूज करेंगे, ए या फिर सी। ए या फिर सी, बहुत ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट ध्यान से करना क्वेश्चन को कि बी के बाद आप क्या यूज करेंगे, बी ए सी, बी ए डी या फिर बी सी डी। क्योंकि हमें यह तो क्लियर है कि हमारा पहला सेंटेंस क्रिसमस एंड न्यू ईयर होगा। हम बात कर रहे हैं क्रिसमस और न्यू ईयर की, जो समय होता है साल का जश्न मनाने का, सेलिब्रेट करने का। उस समय क्या होते हैं? स्कूल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, स्कूल बंद होते हैं क्रिसमस के लिए, और विंटर ब्रेक भी होता है उस टाइम पर साल का। ठीक है, हमें क्लियर है बी के बाद ए आएगा, तो सबसे पहले डी वाला ऑप्शन हटा दो। अब क्या है? स्कूल भी बंद है क्रिसमस के लिए, विंटर ब्रेक के लिए उस समय साल में। आफ्टर दैट डी में दे रखा है फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो वी आर लाइकली टू रेस्ट्रेन सेलिब्रेशन फॉर फियर ऑफ पैंडमिक रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन। या फिर हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स और क्रिसमस बाजार लैंड फन एंड वार्म इन द कोल्ड। बहुत अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बी एस सी, बी एस सी को देखकर थर्ड सेकेंड बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बी ए सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बी ए सी बोल रहे हैं, यानी कि ए के बाद सी आएगा। भाई जब बंद होते हैं तो उस टाइम पूरे ऑल ओवर द सिटी, पूरे सिटी की बात की जा रही है, पूरे भरे पड़े होते हैं जितने भी बाजार वगैरह होते हैं गर्म उससे ठंड में। ठीक है, तो बी ए सी को देखकर जितने स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन आई आस्क फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस ऑफ फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग माई मदर रिमाइंडेड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। ये आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे उन बच्चों को जो पैसे को समझते हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा टपक रहा है और पैसे को खर्च करते रहो। वही बात यहाँ पे भी बोली गई है, जब भी मैं एक डिमांड करती हूँ एक्सपेंसिव ड्रेस की अपने फ्रेंड की वेडिंग के लिए, जब मैंने डिमांड की तो मेरी मदर ने मुझे इस चीज को याद दिलवाया कि जो पैसा है वो पेड़ों पर रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां से निकल रहा है पैसा और गिर रहा है हमारे हाथ में और हम उसको खर्च करते चले जाएं। इट मीन्स मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज का मतलब क्या हुआ idiom का? कि मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड, मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री एंड फ्रीली अवेलेबल, या मनी ग्रोज ऑन शॉप्स एंड देयर्स प्लेंटी, या मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड। बिल्कुल सही है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, क्योंकि पैसे को बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो इट मीन्स मनी इज हार्ड अर्न। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, रिडंडेंट का आपको चेक करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम क्या होगा। रिडंडेंट का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, अभी बोला ना कि
क्या होता है? पैसा पेड़ पर नहीं उगता, है ना? तो पैसा पेड़ पर नहीं उगता, तो अनावश्यक तरीके से हमें कभी भी पैसा खर्च नहीं करना होता है, ठीक है? तो यानी कि जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम पैसे को खर्च कर रहे हैं अनावश्यक तरीके, जहां आवश्यकता है भी नहीं वहां भी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बहुत ही अच्छे बच्चे। असेंशियल कैसे हो जाएगा? सिनोनियम पूछा है ना आपसे, सिनोनियम पूछा है, तो असेंशियल कैसे हो जाएगा? असेंशियल मतलब तो आपका इंपॉर्टेंट हो गया ना, आवश्यक हो गया, वाइटल हो गया, ठीक है? एरोगेंट इग्नोरेंट मतलब जो व्यक्ति कैसा अज्ञानी है, एक अंधकार में जी रहा है, डार्कनेस का शिकार है, अनअवेयरनेस का शिकार है। सुपर प्लस इज द करेक्ट वन, मतलब अनावश्यक मतलब जरूरत से ज्यादा ही तो हो गया, तो सुपर प्लस में भी वही होता है, जरूरत से ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं आज का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, देखो जरा क्या होगा। बहुत बार हम दूसरों से आग्रह करते हैं, ठीक है? तो आग्रह करना, रिप्लाई, रिफ्यूज, प्रोटेस्ट या फिर अपील, जिसको आप बोलते हो रिक्वेस्ट करना, किसी से भी आग्रह करना मतलब किसी से भी अनुरोध करना, किसी से भी रिक्वेस्ट करना। आपको इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम देखना है जरा क्या होगा। रिप्लाई होगा, रिफ्यूज होगा, प्रोटेस्ट होगा या फिर अपील होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम देखो जरा क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, जल्दी जल्दी करते चलेंगे आंसर्स। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर, क्योंकि रिफ्यूज होता है ना, मना कर देना, है ना? और हम बात कर रहे हैं किसकी, रिक्वेस्ट करने की। तो रिक्वेस्ट में आप क्या कर रहे हो, अपील ही तो कर रहे हो किसी से। जितने स्टूडेंट इसका आंसर अपील बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। द टीचर सेड, भाई टीचर ने क्या कहा, आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स, कि आसिफ जाओ और अपने हाथों को धो। यानी कि आपको चेक करना है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट में ऑलरेडी दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमास है, अब आपको इसको लेकर आना है इनडायरेक्ट में, तो आपको चेक करना है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा। सैड मतलब आरवी पास्ट में है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं कि सेंटेंस स्टार्ट कहां से, गो से। गो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखकर हमें ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस हमारा किस में है, इंपैरेटिव है। तो इंपैरेटिव में हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। अब आपको चेक करना है यहां पे हम क्या यूज करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। भाई सेंटेंस चाहे इंपैरेटिव हो, सेंटेंस चाहे बच्चों अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, हम टेंस तो नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इंपैरेटिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होते, लेकिन इनमें प्रोनाउन हमेशा बदला जाएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब किसी में भी हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा। सेम सेंटेंसेस के अंदर भी होता है कि प्रोनाउन हमेशा बदला जाएगा, बट इसमें कोई टेंस वाइज चेंजेस नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप उनको हटा दो जिनमें गो से पहले टू नहीं लिखा है, क्योंकि जब इंपेरेटिव को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो टू के साथ लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो से पहले जिनमें दो में टू नहीं दे रखा उनको हटा दो। अब बचते दो ऑप्शन, ठीक है? अब बचते कितने ऑप्शन है, दो। आप चाहो तो इसको इसके बेसिस पर भी एलिमिनेट कर सकते हो। भाई सैड टू पूरा टोल्ड में चेंज होता है, और टोल्ड में चेंज होगा तो टोल्ड के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो आप इसके बेसिस पे भी थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। लाए लो, लाए लो का मीनिंग क्या है भाई, लेटे हुए बहुत नीचे की ओर। इट मीन्स सिट ऑन अ लो चेयर, लाई डाउन एंड रिलैक्स आफ्टर आ टायरिंग डे, फ्लाई अ प्लेन एट अ लो एल्टीट्यूड, या ट्राई नॉट टू बी नोटिस। आप कोशिश कर रहे हो कि आपको नोटिस ना किया जा सके, मतलब लेटे हुए हो आप बिल्कुल लो, बहुत नीचे की ओर लेटे हुए हो। भाई क्यों लेटे हो भाई नीचे की ओर, क्या रीजन है लेटने का, क्यों मन कर रहा है नीचे की ओर लेटने का आपका, तो उसका रीजन क्या है, इसका मीनिंग बताना है आपको कि क्या रीजन है। कि आप बैठे हो एक लो चेयर पर, या लाई डाउन और रिलैक्स कर रहे हो बहुत थके हुए दिन के बाद, आप बहुत रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, या प्लेन की बात हो रही है लो एल्टीट्यूड पे उड़ने का काम कर रहा है, या आप चाहते हो कि कोई आप पर ध्यान ना दे, ठीक है, नोटिस ना करे आपको। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे।
हम लेटे हुए इसलिए नीचे की ओर है ताकि कोई हम पर ध्यान ना दे. ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड. द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड. पुलिसमैन ने बहुत सारे लोगों से पूछा बट कोई भी नहीं जानता था कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो कैसे हुआ. इस चीज को कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जानता था. आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है. कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है. हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड इनकरेक्ट है. द पुलिसमैन आस्क्ड इनकरेक्ट है. नो वन नोइंग इनकरेक्ट है. या फिर मैनी पीपल बट इनकरेक्ट है. देखेंगे जरा बहुत ध्यान से कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है. ये जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर है न्यू बोल रहे हैं उन सभी का गलत है. न्यू नहीं आएगा बच्चों. न्यू तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता इसका आंसर. नो वन बिल्कुल सही है भाई. कोई भी नहीं जानता ना कैसे हुआ. आपको एक चीज ध्यान रखनी है. आप इसको दोनों तरह से लगा सकते हो. या तो आप नरेशन से लगा लो या फिर आप इसको टेंस के रूल से लगा लो. दोनों टाइप से लगा सकते हो आप बच्चे. टेंस का रूल कहता है कि जब भी हाउ एज अ कनेक्टर इस्तेमाल हो रहा है तो वो दो ऐसे एक्शंस को जोड़ने का काम करेगा. जैसे आफ्टर होता है बिफोर होता है ठीक है. व्हेन होता है व्हाई वेयर हाउ बिकॉज दैट. ये ऐसे कनेक्टर्स होते हैं दो ऐसे एक्शंस को जोड़ने का काम करते हैं जिनमें दोनों ही कंप्लीटेड होते हैं बट एक के बाद एक कंप्लीटेड और पास्ट में. तो जो पहले कंप्लीट होगा वो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट में. जो पहले कंप्लीट होगा वो जाएगा आपके किस में पास्ट परफेक्ट में. और जो बाद में कंप्लीट होगा वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में. ठीक है. अब यहां पर जितने भी स्टूडेंट उसको देखकर न्यू का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है. बिल्कुल सही है. जानते हो तो जानते हो और नहीं जानते हो तो अननोन फॉर यू. और उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है. क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे वॉज नोइंग की जगह हैड नॉन. एक्सपीरियंस याद करो. प्रेजेंट परफेक्ट जब बात प्रेजेंट की होगी. यहां एक्सीडेंट भी पास्ट में हुआ जानता भी पास्ट में ही होगा है ना. तो इट मींस यहां पर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की. तो यहां पे वॉज नॉइंग की जगह क्या आ जाएगा हैड नॉन आ जाएगा. चलेगा नेक्स्ट आते. इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल. हम बात करें बिल्कुल हूबहू शब्द किसके साथ ओरिजिनल के साथ ठीक है. उसको एक शब्द में क्या बोलोगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप क्या यूज करोगे. एग्जैक्टली सेम वर्ड्स किसके साथ जैसे ओरिजिनल के जैसे ठीक है. तो इसको एक शब्द में आप बच्चे क्या बोलोगे. ठीक है. तो देखो जरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए आप बच्चे क्या यूज करेंगे. बहुत ध्यान से चेक करेंगे. बहुत ही अच्छे बच्चे भाई. कॉपी सभी को पता है भाई. नकल किसी चीज की है ना. डुप्लीकेट और इमिटेशन मतलब भी क्या होता है. कहीं ना कहीं नकल से ही होता है किसी की नकल. तो यहां पर ये तीनों सेम हो गए ना. तो ये तीनों ऑप्शन हटा दो तो बचता कौन सा ऑप्शन है. फर्स्ट वर्बटिम इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट आते हैं. न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट इन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ बर्मिंगहम एंड स्पीड लिमिट्स हैव बीन डैश ऑन सेलेक्टेड रोड्स. अब आपको चेक करना है यहां पे हम स्पीड लिमिट्स की बात कर रहे हैं सेलेक्टेड रोड पे. उसको क्या किया गया है. शॉर्ट किया गया है स्केल्ड किया गया है लेसेंड किया गया है या रिड्यूस. लेसेंड मतलब भी कम करना. रिड्यूस मतलब भी कम करना. और स्केल मतलब मापने की बात हो रही है. शॉर्टेंड मतलब भी कम करना ही होता है. तो आपको चेक करना है यहां पे कि क्या यूज करेंगे.
बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डी बोल रहे हैं, दैट इज रिड्यूस्ड, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। हम बात करें स्कीम हैज नाउ बीन इन डैश फॉर अ ईयर, जो स्कीम है वो एक साल के लिए अब क्या हो गई है, ऑपरेशन में है, एक्टिविटी में है, प्रोसेस में है, या फिर हम बात कर रहे हैं एजेंसी की, 1 ईयर के लिए वो क्या है, ऑपरेशन में, एक्टिविटी में, प्रोसेस में, या फिर एजेंसी में। जो आपकी स्कीम है वो 1 ईयर के लिए क्या हो गई है, वेरी गुड, इन ऑपरेशन। ठीक है, इन ऑपरेशन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थर्ड ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला हैज बीन हेल्ड एज अ डैश सक्सेस। अब एज अ डैश सक्सेस को आप यहां पे क्या यूज करोगे, ग्रेटर, मोर ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, या फिर ग्रेट, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर लिखेंगे या फिर मोर ग्रेटर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट लिखेंगे या फिर ग्रेट लिखेंगे। अब ग्रेटर मतलब हो गया कहीं ना कहीं हम बात करें कंपैरेटिव की, अब कंपैरिजन तो है ही नहीं ना, और मोर ग्रेटर ग्रामेटिकली वैसे इनकरेक्ट है, डबल कंपैरेटिव। ग्रेटेस्ट जहां कंपैरिजन तो हो रहा है बट दो से ज्यादा के बीच में, वहां हम लोग यूज करेंगे। तो आपको चेक करना है यहां पर हम क्या यूज करेंगे, क्या हम दो चीजों के बीच में यहां कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या कंपैरेटिव आएगा, नहीं, डबल कंपैरेटिव ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में है, नहीं, हम सिंगल सक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। तो जितने भी स्टूडेंट एज अ ग्रेट सक्सेस बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, चलेगा। फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश, कि जब से नई स्पीड लिमिट्स को क्या किया गया है, कंपेल्ड किया गया है, डिक्टेट किया गया है, एनफोर्स किया गया है, या फिर एग्जेक्ट किया गया है। आपको चेक करना है यहां पर कि हम बात कर रहे हैं नई स्पीड लिमिट को, नई स्पीड लिमिट को कंपेल्ड मतलब होता है जब आप किसी भी काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हो, वहां कंपेल लगता है। डिक्टेट सभी को पता होगा, एनफोर्स मतलब किसी भी चीज को लागू करना, ठीक है ना, वहां पर हम लोग यूज करते हैं, और एग्जैक्ट सभी को क्लियर है। तो यहां पर आपको चेक करना क्या होगा, बिल्कुल सही है, जब से नई स्पीड लिमिट क्या की गई है, लागू की गई है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट एनफोर्स बोल रहे हैं, लागू करना, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, एनफोर्स इज द करेक्ट वन। तब से क्या हुआ है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द एरिया हैव फॉलन डैश, कि जो एक्सीडेंट बहुत तेजी से हो रहे थे अब वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट उस एरिया के अंदर वो गिरे हैं, मतलब कम हुए हैं, बट किस तरह से वो कम हुए हैं, डेस्परेटली कम हुए हैं, एक्सट्रीमली हुए हैं, या ड्रास्टिकली, या फिर टेरिबली। टेरिबल मतलब होता है ना भयानक, भयंकर, वहां पे यूज करते हैं हम ड्रास्टिकली का यूज करते हैं काफी, और डेस्परेटली जब किसी काम को आप बहुत ज्यादा निराशा पूर्वक करते हो किसी काम को। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि जब से स्पीड लिमिट को लागू किया गया है तो जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो क्या हुए हैं, काफी कम हो गए हैं। ड्रास्टिकली इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, दिस टीवी चैनल हैज अ लार्जर व्यूअरशिप, इस टीवी चैनल की एक बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है फ्रॉम अनदर चैनल। अगर हम बात करें दूसरे चैनल के कंपैरिजन में इसकी ज्यादा व्यूअरशिप है, इसको देखने वाले लोग ज्यादा हैं अदर चैनल के कंपैरिजन में। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो आपको चेक करना है यहां पर ईआर, लार्ज में ईआर लगा हुआ है, इट मींस हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको चेक करना है क्या फ्रॉम आएगा, या फिर फ्रॉम की जगह देन आएगा, या फिर फ्रॉम एनी अदर आएगा। देखो जरा किसका यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे बच्चे,
जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वो अपने साथ कंपैरेटिव कनेक्टर टी एच ए एन देन को लेकर आता है, और उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। कंपैरेटिव डिग्री जब भी यूज होगी तो वो अपने साथ कंपैरेटिव कनेक्टर देन को लेकर आएगी। ठीक है, आप सिर्फ फ्रॉम के बेसिस पे तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि तीनों में फ्रॉम दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। वन हु कैन रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, उसको एक शब्द में क्या बोलोगे? इलिटरेट बोलोगे, लिटरेट बोलोगे, एलिजिबल बोलोगे, एलिजिबल बोलोगे? देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करोगे, सबसे आसान क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति जो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या यूज होगा? बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे आप बच्चे? बिल्कुल सही है, लिटरेट इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर लिटरेट बोल रहे हैं, इलिटरेट इसका अपोजिट हो जाएगा, और एलिजिबल मतलब जब आप किसी काम को करने योग्य हो, है ना, और उसका अपोजिट एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वन हु कैन हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। आपको चेक करना है यहां पर कि करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, कौन क्रिएट कर रहा है इस गड़बड़ को, आपको चेक करना है कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। इस के साथ आईएनजी, बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, आपको चेक करना है इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होगा। जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव में इज आर एम के साथ आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वही जब आप इसको पैसिव में बदलेंगे, वही जब आप इसको पैसिव में बदलेंगे तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? जब आप उसको पैसिव में बदलेंगे तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? इज आर एम के साथ बीइंग, और बीइंग के साथ यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे देखो कितने ऑप्शन में इज आर एम के साथ बी थर्ड फॉर्म दिए हुए हैं, केवल और केवल एक ऑप्शन में, और उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अजय सेज, अजय कहता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल, मतलब स्नोफॉल होने ही वाला है, मतलब यहां पर स्नोफॉल होने ही वाला है। अब आपको चेक करना है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट से आपको इसे करेक्ट इनडायरेक्ट पहचानना है जरा क्या होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलो इसको, जरा क्या यूज करेंगे? आर वी से में एस लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में दी गई है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ये किस में चेंज होगा? एस के साथ आई एन जी, ये किस में चेंज होगा जरा देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे, या फिर चेंज नहीं होगा, ये किस में चेंज होगा या फिर ये चेंज ही नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। नरेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास में दी गई होती है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसका टेंस पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी इस रिपोर्टिंग वर्ब पर। अगर सेज लिखा है, से लिखा है, या विल से लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके टेंस को हम कभी भी बदलते नहीं हैं। जब सेड मिले तो ही इसका टेंस बदला जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आप उन दो ऑप्शंस को हटा दो जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस बना रखा है। वॉज को देकर पहले वो दो ऑप्शंस को हटा दो जिसके अंदर क्या दे रखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। फिर रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके टेंस को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते, यानी कि हम उसको सैड नहीं लिख सकते, तो वहां से थर्ड ऑप्शन गलत। तो बसते कितना ऑप्शन है, ओनली सेकेंड, सेकेंड इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है।
एग्जोनोरेट का आपको चेक करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। जब बात की जा रही है किसी भी चीज से आपको फ्री किया जा रहा है, मुक्त करना, फ्री करना, मुक्त करना, आपको चेक करना इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट होगा, एब्सॉल्व होगा, एंगेज होगा या फिर एक्विट होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम देखेंगे जरा सभी बच्चे, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा, जल्दी से देखेंगे जरा। एग्जोनरेट का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा, किसी भी चीज से फ्री करना, मुक्त कर रहा आपको, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर एक्विट बोल रहे हैं ना, उन सभी का गलत है। जब आपको अपराध से फ्री कर दिया जाता है, अपराध मुक्त कर दिया जाता है, एब्सॉल्व में भी वही है, कोई दोष लगा था आप पर, आपको उससे फ्री कर दिया गया, और बोलते ना ये फ्री फ्री एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट है, फ्री है, मुक्त है, तो ये तीनों इसके सिनोनियम्स हैं, ये तीनों इसके क्या है, साइनो है। बट हमसे क्या पूछा इसका, एंटो, एंडो मतलब आपको उसमें उल्टा एंगेज कर दिया और व्यस्त कर दिया उसके अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर एंगेज बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, आप इसको पाओगे कैसा मुश्किल, डैश बट लेटर यू विल गेट यूज टू वियरिंग अ मास्क, बट बाद में क्या होगा, आप इसके आदि हो जाओगे मास्क को पहनने के। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आप क्या यूज करोगे, ऑन फर्स्ट, एट फर्स्ट, फर्स्टली या फिर एट द फर्स्ट। जब कोविड आया था तो कोविड में मास्क पहनना सभी लोगों के लिए, शुरुआती दौर में मास्क को पहनना बहुत मुश्किल था, घुटन होती थी, ठीक है, ऐसा लगता था बंद बंद सा है, सांस लेने में दिक्कत आती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोग उसके यूज टू हो गए, आज भी लोग पहनते हैं मास्क, ठीक है, उनको उसके आज भी फायदे दिखाई देते हैं मास्क पहनने के। तो पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में उसको पहनना, उसको पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में उसके क्या हो गए, आदि हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, एट फर्स्ट इज द करेक्ट वन। ठीक है, स्टार्टिंग के स्टेज में उसको पहनना बहुत मुश्किल था, बाद में धीरे 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 लोग उसके आदि होते चले गए। ठीक है, चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ऑप्शन का आपको चेक करना है कि करेक्ट एंटोनियम क्या होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट, जब हम किसी भी चीज को लेकर श्योर नहीं होते हैं, तो ये कब होता है, जब चीजें हमें पूरी तरह से क्लियर ना हो, अस्पष्ट, यानी कि जहां पर क्लैरिटी की कमी हो, लूसिड वाला केस की लूसिड क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी, तो चीजें कैसी है, अस्पष्ट है, आपको चेक करना है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा, ब्लर होगा, एपेरेंट होगा, क्लाउडी होगा या फिर वेल्ड होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम चेक करना है आपको, किसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा। ब्लर, आप पिक्चर क्लिक करते हो, ब्लर हो रही है ना, साफ नहीं आ रही है, तो ये सिनोनियम वाला केस हो गया। क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं, चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। भाई बादल छाए हुए हैं तो कहां चीजें क्लियर होंगी, कितने तारे हैं, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, वो भी आपका इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, और वेल मतलब होता है ना, किसी भी चीज को ढकना, ढक देना किसी भी चीज को, तो वहां पे भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो ये तीनों इसके सिनोनियम हो गए, हमसे क्या पूछा इसका एंटोनियम, तो अपेरेंट इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर अपेरेंट बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स, मतलब बारिश हो रही है 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे से एक एक्शन बारिश होने का चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। इट मीन्स हम बात करें एक प्रोग्रेसिव एक्शन की, एक जारी एक्शन की, और ये जो जारी एक्शन है बच्चों, ये किसके साथ है, टाइम के साथ। तो जहां पर भी आप एक जारी एक्शन को टाइम के साथ देखते हैं, तो वहां पर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप देख लो, ये सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे ज्यादा एक सेम नेचर की जो एरर पूछी जाती है, वो टाइम से रिलेटेड वर्ड को लेकर पूछी जाती है, सिंस और फॉर का यूज, यानी कि करेक्ट यूज ऑफ सिंस और फॉर, कहां सिंस कहां फॉर। अगेन 2 आवर्स आ गया,
आर्स आ गया, तो टू का मतलब हमारा क्या हो गया, एक ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के केस में हम कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का, है ना। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सिंस की जगह फॉर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, इतना क्लियर है सभी को। चलो अगेन आ गया आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम, स्वैक मतलब होता है जो पक्षी की कर्कश वाली आवाज होती है, कर्कश करते हैं ना, कर्कश वाली जो आवाज होती है पक्षी की, उसके लिए यूज करते हैं, पक्षी की कर्कश वहां पर हम लोग यूज करते हैं। आपको चेक करना है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम क्या होगा, इसका सजेस्ट होगा, एक्सप्लोर होगा, स्क्रीम होगा या फिर कॉनट होगा, देखना जरा क्या मोस्ट एप्रोप्रिएट। भाई सजेस्ट जो आपको किया जाता है जब आपको चीजें समझ नहीं आती, एक्सप्लोर करना किसी भी चीज को, ठीक है। स्क्रीम होता है जैसे बहुत बार हम क्या होता है डर जाते हैं, तो डर कर हम चीखते हैं, तो जो चीक होती है वही पक्षी की आवाज होती है चीक, तो जो चीक होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रीम। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर स्क्रीम बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। तो सिनोनियम जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर स्क्रीम बोल रहे हैं, चीख जिसको बोलते हो, स्क्रीमिंग चीखना, डर के चिल्लाना चीखना, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम चीजों को बताना चाहते हैं, तो जब हम चीजों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बतलाना जतलाना किसी भी चीज को, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन स्पाइट ऑफ माई नीस डॉग कैस्पर इज वेरी मिस्चीवियस, ही इज लवेबल। बात हो रही है कि उसके डॉग का के होने के बावजूद भी जो मेरे नीस का जो डॉग है वो कैसा है, बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है, उसके बावजूद भी क्या है, ही इज लवेबल, ठीक है। तो आपको चेक करना है यहां पे इन स्पाइट ऑफ माई नीस को आप किससे रिप्लेस करोगे, नेवर द लेस माई नीस, Although my niece, however my nieces, या फिर आपको लगता है कि यहां पर किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, then your answer option will be no substitution required. तो देखो जरा आप इसको किससे replace करेंगे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, vocab strong नहीं है बच्चे, regular class लेते रहो, उससे आपको definitely day by day आपको improvement दिखाई देगी, ठीक है, बट उसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस लेते रहना है। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, जब भी आपको कॉमा मिले या फिर येट मिले तो आपको ध्यान रखना है उसके साथ हम यूज करेंगे किसको, ऑल्दो, इसको यूज करेंगे ऑल्दो, कॉमा और येट को देखकर जितने भी स्टूडेंट ऑल्दो बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आपको ध्यान रखना है डॉग किसका है, मेरे नीस, है ना। तो यहां पर हमें क्लियर है कि हम एपोस्ट्रोफी एस का तो इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कॉमा को देकर हम ऑल्दो लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ का यूज नहीं करेंगे। चलो अब आ गया आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट पैरा जंबल का ऑप्शन चेक करना आपको, कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन दे रखा है जंबल सेंटेंसेस का। अब बात हो रही है किसकी, चार ऑप्शन है जिसमें दो बी से स्टार्ट है और एक ए से और एक डी से। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करो कि आपका पहला सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा, ए से होगा या फिर आपका डी से होगा। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करो कि आपका पहला सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा। देखो जरा क्या होगा, पहला सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, बी से, ए से या फिर डी से। बी में दे रखा द नोज इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये पहला सेंटेंस होगा। या फर्स्टली इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, ये पहला सेंटेंस होगा। या फिर अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट ऑल्सो क्लीन्स इटसेल्फ ऑफ फॉरन डेब्रीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनहेलेशन, ये हमारा पहला सेंटेंस होगा।
सबसे पहले आप ये चेक करो कि पहला सेंटेंस आपका क्या होगा। हमें ये तो क्लियर है फर्स्टली पहले नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले हम किसी चीज की बात कर रहे होंगे, क्योंकि इट कौन सी चीज हमें प्रोवाइड करा रही है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो हमारा ए तो पहला सेंटेंस नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम फिल्टर द एयर, हम बात कर रहे हैं पहले किसी चीज के बारे में बताएंगे उसके बाद ही तो बोलेंगे, इसको छोड़कर उसकी बात कर रहे हैं, तो डी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा क्या होगा, बी। अब बी के बाद दोनों में ए ही दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर सिर्फ ये चेक करना है कि बी ए सी या फिर बी ए डी। आज ये दूसरा पैराजम्बल का क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर बी ए सी बी ए डी दो इस तरह के ऑप्शन दे रखे थे। पहले भी एक क्वेश्चन करा आज हमने क्लास में, उसमें भी सेम चीज थी, बी ए सी या बी ए डी, ठीक है। बच्चे आपसे पैराजम्बल नहीं बनता, एक बार आप एक काम करिएगा, एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट पे जाना, ठीक है। उस पे बच्चे आप क्या करना कि पैराजम्बल की जो क्लासेस है उनको लेना, ठीक है। आज लेके देखो, फिर कल मुझे बताना, एसएससी बुलेट नंबर पे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, फिर उसमें बताना कि कितनी चीजें आपको इम्प्रूव हुई। रेगुलर उनकी क्लासेस लो, कम से कम 3 से 4 क्लासेस लो, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, चीजों को कर भी पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट पे जाना, पैराजम्बल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पे पैराजम्बल की जो क्लासेस पढ़ी हो उन सबको देखो, क्योंकि मैं 2023 तक के अपडेट करा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको उसमें करा चुकी हूँ 23 तक के सॉल्यूशन, ठीक है। चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर आपका सीपीयू हो, मैं पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, आपकी वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन, ये सब 23 तक के क्वेश्चंस को मैं करा चुकी हूँ, तो एक बार उसको चेक कर लेना बच्चे, चलेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बोल रहे हैं कि बी ए डी होगा, ठीक है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है वो प्रोवाइड करती है एयर किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सर्व द सेंस ऑफ स्मेल एंड कंडीशन द एयर बाय फिल्टर के बाद जो एयर होती है वार्म एंड मॉइस्चरिंग इट आफ्टर दैट। अब उसके बोलेगा अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट ऑल्सो क्लीन इट सेल्फ ऑफ फॉरन डेब्रिज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम, जब हम इनहेल, एक होता है इनहेल सांस लेना, एक्सहेल निकालना, ठीक है। तो इनहेल के टाइम पे जो भी होती है उनको क्लीन करने का अपने आप वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बी ए डी को देकर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, चलेगा। नेक्स्ट आते एक और क्वेश्चन देखेंगे। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेस, हर शनिवार के दिन जो वर्कर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको वीकली वेजेस मिलती है, ठीक है। आपको चेक करना है कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है, देयर वीकली वेजेस इनकरेक्ट है, द वर्कर्स गेट्स इनकरेक्ट है, या एवरी सैटरडे, या फिर नो आर। देखो कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, आप उसको उससे कनेक्ट कर भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही है, चलेगा। देखो जरा क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे कौन से पार्ट में आपको एरर दी गई है, फाइंड आउट द एरर। आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। आप देखो यहां पर जो वेजेस मिलती है वो किनको मिलती है, वर्कर्स को, वर्कर नहीं, वर्कर्स को, कर्मचारियों को मिलती है, काम करने वालों को मिलती है। तो यानी कि हम बात करें सब्जेक्ट कैसा हो गया प्लुरल, क्योंकि जब भी आप नाउन में एस ओ एस लगाते हैं तो वो नाउन को प्लुरल बना देता है, ठीक है। लेकिन उसके अपोजिट काम करता है आपका वर्ब। अगर आप वर्ब में एस ओ एस लगा देते हैं, सबसे पहला पॉइंट, वर्ब में एस ओ एस केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगता है, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वो आपकी वर्ब को कैसा बना देगा, सिंगुलर बना देगा। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी, तो सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब हम सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर हमें वर्ब को भी प्लुरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट गेट्स की जगह गेट बोल रहे हैं और उसके बेसिस पे सेकेंड ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, चलेगा। नेक्स्ट आते करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो इनमें से कौन सा शब्द आपको सही दे रखा है।
कन्वर्ट, कनेक्ट, कंसेंट या फिर कॉन्विक्ट, कौन सा शब्द आपको करेक्ट दे रखा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चेक करना है आप बच्चों को कि कौन सा है। बहुत ध्यान से चेक करेंगे जरा सभी बच्चे। कन्वर्ट करना, कन्वर्जन, एक्टिव पैसिव नरेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ही तो होता है, कन्वर्ट ही तो करते हैं। कन्वर्जन मतलब चेंज द सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बाकी को बदल भी दो बट उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, दैट इज कन्वर्जन। बहुत ही अच्छे बच्चे, कन्वर्ट इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर कन्वर्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अच्छे बच्चे, चुगो चलेगा नेक्स्ट आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। कूल एज अ कुकुम्बर का मीनिंग आपको क्या होगा, बोलते ना हमेशा अपने आप को ठंडा रखो, कैसे रखो खीरे जैसा, जैसा खीरा एकदम ठंडा रहता है ना, हमेशा खीरा कैसा रहता है, ठंडा रहता है, उसी तरह से आपको अपने आप को रखना है ठंडा, बिल्कुल खीरे के जैसा। आपको चेक करना इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। कूल एज अ कुकुम्बर, नर्वस, इरिटेटेड, काम या फिर हैप्पी, मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर काम बोल रहे हैं, शांत, रिलैक्स्ड, कूल, ठीक है, तो उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, काम इज द करेक्ट वन। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, जज ने क्या पाया, उसको दोषी पाया, ठीक है। अब आपको चेक करना है इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, यानी कि सेकेंड फॉर्म का मतलब बात हो रही है पास्ट इंडेफिनेट में। आपको चेक करना है कि करेक्ट इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जरा बहुत ध्यान से चेक करेंगे करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है, क्योंकि जितना एलिमिनेशन मेथड आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको चेक करना है कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा, करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, आवाज का इश्यू आ रहा है सभी को, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, देखो जरा इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, एक बार और चेक करना जरा इसको, मैंने एक बार चेक कर लो, वॉइस का इश्यू तो नहीं है। बहुत ही अच्छे बच्चे, जहां एक्टिव में बच्चों, एक्टिव में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही जब आप इसको पैसिव में बदलोगे तो आप यूज करोगे वॉज एंड वर, और वॉज और वर के साथ आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी स्टूडेंट यहां पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म को देखकर सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके माइंड में डाउट होगा कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म तो हमें थर्ड में भी दे रखी है, फिर थर्ड क्यों नहीं है। तो आपको ध्यान रखना एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट उसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो हम अगेन जज से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बाकी रिमेनिंग फर्स्ट और फोर्थ इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हैड बीन पास्ट परफेक्ट और हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट, और कभी भी वॉइस के अंदर हम टेंस को बदल नहीं सकते। चलेगा नेक्स्ट आते, अप्रोप्रिएट मीनिंग चेक करना है आपको। आ हियर इन द बटर, आ हियर इन द बटर, हम बात कर रहे हैं बाल की, कहां, बटर के अंदर, मक्खन में। इट मींस किस तरह का केस है, इजी है, स्लिपरी है, सिंक इन डेप, पूरी तरह से डूबा हुआ है कर्ज में, या फिर बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशन जो आपको चैलेंज कर रही है, किस केस के लिए यूज करोगे आ हियर इन द बटर। भाई मक्खन में से बाल निकालना बड़ा ही कैसा केस है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर चैलेंजिंग सिचुएशन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं जो चीज आपको क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है, दैट इज चैलेंजिंग सिचुएशन। ड्रॉइंग्स एंड राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस, बात हो रही है जैसे आप देखते हो ना रोड पे जाते हो तो पब्लिक प्लेसेस पर आपने देखा होगा, पब्लिक प्लेसेस पे दीवारों पर ड्राइंग हुई होती है, लिखा हुआ होता है, तो उसको एक शब्द में आप क्या बोलोगे,
उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बच्चे क्या यूज करोगे? जो पब्लिक प्लेसेस पर दीवारों पर ड्राइंग बनी होती है या फिर लिखा हुआ होता है, उसको एक शब्द में आप बच्चे क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? कोलाज आप बनाते हो ना, कोलाज, फोन में फोटोज बहुत सारी ले लेते हो, है ना, उनकी कोलाज बनाते हुए घूमते हो, है ना? नहीं, जितने स्टूडेंट इसका आंसर कैरिकेचर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये होता है कार्टून से रिलेटेड, कार्टून वाला जो होता है, जो कार्टून होता है उससे रिलेटेड होता है। पोर्ट्रेट तो पिक्चर चित्र से रिलेटेड है, हम बात कर रहे हैं ड्राइंग की और राइटिंग की, दीवार पर बट कहां पर? पब्लिक प्लेस में, ठीक है। तो ग्राफी इज द करेक्ट वन, जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, हम कंट्रास्ट की बात करें, बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग, आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। द कंट्रास्ट बिटवीन किसके बीच में? ब्रिटेन और अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग, अब आपको चेक करना है इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। भाई बिटवीन है तो एंड ठीक है, और बात ब्रिटेन और अदर कंट्रीज की हो रही है तो यहां पे बिटवीन भी ठीक है, ठीक है। बट हम यहां पर आपको चेक करना है कि क्या आर स्ट्राइकिंग ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में एरर है, क्योंकि इसमें नो एरर ऑप्शन नहीं है, तो नो एरर ऑप्शन नहीं है तो इट मींस कोई ना कोई मिस्टेक जरूर आपको दी गई है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, टू गुड। यहां पर हम बिटवीन से पहले सब्जेक्ट क्या दे रखा है? कॉन्ट्रास्ट दे रखा है, कैसा केस है? सिंगुलर, तो ये स्ट्राइक क्या कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट ही तो कर रहा है, तो यानी कि आर की जगह क्या आ जाएगा? इज, क्योंकि ग्रामर का रूल है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, और उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं आर स्ट्राइकिंग की जगह इज स्ट्राइकिंग, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बात हो रही है विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू, मतलब बात हो रही है कि आप कौन सी मूवी को देख रहे थे टीवी पर जब मैंने तुम्हें कॉल की, तो आपको चेक करना है यहां पर कि हैव यू वॉच्ड को आप किससे रिप्लेस करेंगे। वर यू वॉचिंग, डिड यू वॉच्ड, आर यू वॉचिंग, या फिर आपको लगता है कि यहां तो किसी रिप्लेसमेंट की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देखो जरा आप यहां पर क्या यूज करेंगे, बात हो रही है कि कौन सी मूवी को आप देख रहे थे टेलीविजन पर जब मैंने तुम्हें कॉल की, ठीक है। अब देखो कॉल कब हुई है, ईडी मतलब पास्ट, कॉल कब हुई है? पास्ट में, तो डेफिनेटली उसके टीवी को देखने का काम भी पास्ट में ही चल रहा होगा ना, तो यहां पर हैव तो प्रेजेंट को बताता है ना, नो सब्स्टिट्यूशन हटा दो, और आर भी प्रेजेंट को बताता है, नो सब्स्टिट्यूशन, ये डिड आर के साथ आईएनजी हटा दो, डिड जब भी आता है तो डिड अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आता है, रीजन क्योंकि डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, तो इसीलिए वो कभी भी ईडी को लेकर नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है ना, दैट इज वर यू वॉचिंग, देख रहे थे, आपके देखने का एक्शन चल रहा था, ठीक है, जब कॉल हुई, तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट वर यू वॉचिंग बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, द कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स, कैमल और फॉक्स बहुत अच्छे दोस्त थे एंड वेरी गुड थीव्स, बहुत अच्छे क्या थे, चोर भी। वन डे द टू फ्रेंड डैश टू क्रॉस द रिवर, अब आपको चेक करना है यहां पर कि एक दिन क्या हुआ, दो दोस्तों ने रिवर क्रॉस करने को डिसाइड किया, अब आपको चेक करना है यहां पे डिसाइडिंग आएगा, विल डिसाइड आएगा, डिसाइडेड आएगा या आर डिसाइडिंग आएगा, यानी कि क्लोजेस्ट के अंदर आपको टेंस देखना है यहां पे कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आप ऑप्शन को चूज करेंगे। जरा देखो कौन सा ऑप्शन आएगा यहां पे, हाँ PYQs बच्चे डेली चलता है, एक सुबह 10 बजे की क्लास, आज किसी कारणवश ये क्लास 11 बजे हुई है, और वैसे ये रेगुलर 10 बजे रहती है, और एक सवा तीन बजे PYQs चलते हैं CPO 2024 के, और सुबह 10 बजे चलते हैं CGL CHSL
और सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के, तो आप रेगुलर दोनों क्लासेस को लेते रहो। बाकी जिनको प्रॉब्लम आती है पैरा जनरल क्लोज टेस्ट के, तो वो बच्चे प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां पर 23 तक के मैं आपको सारे क्लोज टेस्ट पैरा जनरल करा चुकी हूँ, उन क्लासेस को लो, ठीक है? तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट आते हैं, देखो, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। देखो बात हो रही है, वो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, चोर भी बहुत अच्छे हैं, पास्ट चोर में बात हो रही है। तो दो फ्रेंड्स ने जो रिवर को क्रॉस करना का निश्चय किया होगा वो भी पास्ट में किया होगा ना, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डिसाइडेड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। सो दैट दे कुड ट्रेवल टू आर डैश फार्म टू स्टील फूड। अब वो क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं किस फार्म से, फूड को चुराने के लिए, जो नियर बाय फार्म था वहां पे, या जो नियर था, या जो नियरेस्ट था, या नियरली था, किस फार्म से चोरी करने की बात की जा रही है, फूड की, खाने को चोरी करने की बात की जा रही है। तो आपको चेक करना है यहां पर आप क्या यूज करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे। जो भी उसके नजदीक है, जो भी उसके नजदीक है, दैट इज नियर बाय, नियर बाय फार्म इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट आते, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। द स्मॉल फॉक्स, जो छोटी फॉक्स है वो क्या है, डैश स्विम और टू मे नॉट, माइट या कुड नॉट, वो स्विम कर सकती है, ठीक है, तैर सकती है। आपको चेक करना है यहां पे कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे, या नहीं तैर सकती है। सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड क्लाइम डैश। अब उसे क्यों कहा चढ़ने के लिए कैमल ने, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता होगा, स्विमिंग नहीं आती होगी, तभी तो उसे कहा कि तुम चढ़ जाओ मेरे ऊपर, है ना। तो अब आपको चेक करना है यहाँ पे ऑट टू आएगा, मे नॉट आएगा, माइट आएगा या कुड नॉट आएगा, किस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखो बच्चों, जब भी वहां पे वो स्विम कर सकती है या नहीं, यानी कि हम बात करें एक एबिलिटी और कैपेसिटी की, वेन एवर हम लोग बात करें कैपेसिटी या फिर एबिलिटी की, आपके अंदर किसी काम को करने की योग्यता क्षमता है या नहीं, तो वहां पर प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माइट और मे आता है जहां चीजों को लेकर आप श्योर ना हो, और ऑट टू का यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। तो उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट थ्री ऑप्शन को एलिमिनेट कर फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं कुड नॉट, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। So, Captain said to his friend, Captain ने फ्रेंड से कहा कि क्लाइम डैश ऑन टू माई बैक। आपको चढ़ने के लिए कहा, उसको चढ़ने के लिए कहा जा रहा है अपनी बैक पर, वो उसको कह रहा है कि तुम चढ़ जाओ किस पर, मेरी बैक पर। अब ओवर आएगा किसी चीज पर चढ़ने के लिए, तो क्लाइम के साथ ओवर लगाओगे, अक्रॉस, अप या फिर अबव, किसका इस्तेमाल करेंगे आप बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हाँ बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। अभी तो पढ़ाया था मैंने क्लाइम के साथ क्या आएगा, अप आएगा, क्या आएगा, क्लाइम के साथ अप चलेगा। लास्ट ब्लैंक में जरा चेक करो क्या होगा। एंड आई विल स्विम अक्रॉस द डैश। अब कहाँ की बात हो रही है, स्विम कहाँ करेगा, सी, ओशियन, लेक या रिवर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों क्लोज टेस्ट के अंदर, ऐसा क्वेश्चन एक आधा एग्जाम में आपको मिलेगा, क्योंकि है तो जिसमें आंसर ऑलरेडी आपके क्लोज टेस्ट के अंदर गिवन होगा। भाई वो किसको क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, किसको क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, रिवर को, किसको क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, रिवर को, तो डेफिनेटली उसको अपनी बैक पर बैठकर वो स्विम करके क्रॉस भी किसको करेंगे, उसी रिवर को ही तो करेंगे, नदी को ही तो करेंगे, वो सी को, ओशियन को, लेक को थोड़ी ना करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर रिवर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, रिवर इज द करेक्ट वन, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को। रेगुलर क्लासेस लेते रहो, दो क्लासेस चलती हैं, एक सुबह 10 बजे और एक आपकी 3:15। ये दोनों क्लासेस आपकी जो है लाइव चलती हैं। 3:15 वाली जो क्लास है ये सीपीओ स्पेशल है 2024, ठीक है? और इसके अलावा एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे चलती है,
जिन स्टूडेंट को सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना है, एमटीएस देना है या सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 देना है, वो सभी बच्चे सुबह 10 वाली क्लास को अटेंड करें, और जिनको सीपीयू 2024 देना है वो 3:15 की क्लास को। इसके अलावा आपको संडे स्पेशल के अंदर मिलती है क्लास क्लोज टेस्ट पैर एग्जाम्पल स्पेशल, आप उस क्लास को लो। रेगुलर क्लासेस लेते रहो, क्लासेस अच्छी लगती है तो इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए आप बच्चे प्ले स्टोर पे जाकर एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां से आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। बैच के अंदर तीनों सेक्शंस मिल जाएंगे आपको, ग्रामर वोकैबुलरी एंड रीडिंग, और बैच की जो वैलिडिटी है। इसके अलावा अगर आप इसे चाहते हो प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट की सीरीज लगाना, तो वो भी आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाकर आप लगा सकते हैं मॉक टेस्ट की सीरीज, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट को लाइव क्लासेस की पीडीएफ चाहिए उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आप टेलीग्राम से जितनी भी लाइव क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ प्लस जो भी अपडेट्स हैं वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।